बताने वाली हूँ कि आप कैसे अपने बच्चे की मदद कर सकते हैं उसकी हाइट बढ़ाने में। बहुत ज़्यादा बचपन से ही ये ज़रूरी हो जाता है कि आपने बच्चे की हाइट के लिए क्या क्या चीज़ें की है। हालांकि ये चीज़ डिपेंड करती है मदर और फादर के दोनों साइड के जीन्स पे, नाना नानी, दादा दादी, मम्मी पापा, इन सब पे डिपेंड करता है कि बच्चे की हाइट क्या होगी। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि आप अपने बच्चे की डेली रूटीन में अगर आप उन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी, तो बच्चे की हाइट अपने जो उसके पोटेंशियल है मैक्सिमम हाइट ग्रोथ का, मैक्सिमम हाइट गेन प्रॉपर, उतनी मैक्सिमम उसकी हाइट आराम से पहुंच पाएगी। कई बार हम देखते हैं कि हाँ किसी बच्चे की हाइट सपोज उसकी मैक्सिमम हाइट हो सकती थी कि उसकी हाइट आराम से 5'11" के अराउंड जा सकती थी, लेकिन अगर हम उसके बचपन में बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं जो कि मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, तो हो सकता है कि उसकी हाइट सिर्फ 5'6" या 5'5" के अराउंड ही रह जाए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बचपन से ही कि आप ये सारी चीज़ें ज़रूर ध्यान दें अपने बच्चे के डेली रूटीन में, जिससे कि उसकी जो मैक्सिमम पोटेंशियल हाइट गेन है वो उसको गेन कर पाए। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो चलिए हम अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आप अपने बच्चे को क्या खिला रहे हैं। यही सबसे बड़ा फैक्टर होता है बच्चे की हाइट गेन में, वेट गेन में, बच्चे का ब्रेन किस तरह फंक्शन करता है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चे की डाइट पे। डाइट के ऊपर मैंने आपको कुछ वीडियो बनाया था हाइट गेन के लिए ही, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से फूड्स आपको इंक्लूड करने हैं जिससे कि बच्चे की हाइट जो है वो बढ़ेगी, ज़्यादा बढ़ेगी। उस वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, मैं लिंक ऐड कर देती हूँ। तो आपको ज़्यादा ध्यान देना है बच्चे की डाइट पे। सेकंड जो चीज़ होती है जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में भी बच्चों जितना ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहेगा उतना ही ज़्यादा बच्चे की हाइट ग्रो करेगी, बच्चे की हाइट बढ़ेगी। ध्यान दीजिएगा कि बच्चे को आपको वेट लिफ्टिंग वगैरह नहीं कराना है। मैंने बहुत बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है वो बहुत बचपन से ही बच्चों को जिम में भेजना स्टार्ट कर देते हैं, वेट लिफ्टिंग कराना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चों को वेट लिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं होती। वेट लिफ्टिंग हेल्प करती है आपकी मसल्स को टोन करने में। बच्चों की जो बॉडी है वो ऑलरेडी काफ़ी टोन्ड होती है। बच्चों को ज़रूरत है फिजिकली एक्टिव रहने की रादर देन बच्चों को वेट लिफ्टिंग करने की। तो आपको वेट लिफ्टिंग से बच्चों को बचाना है, लेकिन बच्चों को फिजिकली एक्टिव रखना है। किसी स्पोर्ट्स में आप डाल सकते हैं बच्चों को, योगा क्लास वगैरह में आप करा सकते हैं। योगा क्लास अगर आप ज्वाइन कराएंगे तो आपको बच्चे की हाइट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। योगा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हाइट गेन करने में। अगर आप चाहेंगे तो आप यूट्यूब पे कोई भी आप वीडियो डालेंगे हाइट गेन के लिए, जो योगा पोजेस होते हैं आप देख सकते हैं, आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना है फिजिकली एक्टिव ज़रूर रखना है। अगर आपके बच्चे का वेट ज़्यादा है तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि उसका वेट आप कम कराएं। ओबेसिटी जो होती है वो हाइट को बढ़ने से रोकती है, क्योंकि बच्चा जो खाता पीता है वो उसकी फैट में ही कन्वर्ट होता चला जाता है, बच्चे की जो हाइट है वो प्रॉपर बढ़ नहीं पाती है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा ओबेसिटी की तरफ है, थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा उसको वेट उसने पुट ऑन कर रखा है, तो पहले आप उसका वज़न कम करवाइए और उसके बाद में जब आप डाइट और फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान रखेंगे तो उसकी हाइट जो है वो बढ़ने लगेगी। तो जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि बच्चा सन में जाए, बाहर धूप में जाए। धूप भी कोशिश करनी है सुबह 9 बजे से पहले की हो, क्योंकि 9 बजे के बाद बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेज आती हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। कोशिश करनी है कि सुबह 9 बजे या फिर शाम को 4 या 5 बजे के बाद की जो धूप होती है उसमें आप बच्चे को ज़रूर भेजें। बाहर पार्क में आप लेके जा सकते हैं, कोई एक्टिविटी बाहर करवा सकते हैं, छत पे लेके जा सकते हैं। इसलिए आपको बच्चे को धूप में ज़रूर भेजना है। धूप से बहुत ज़्यादा विटामिन डी मिलती है जो कि बोन्स को ग्रो करने में, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि बच्चा धूप में ज़रूर जाए। कई बार क्या होता है बच्चों का पोस्चर इतना ख़राब होता है कि उनकी हाइट हमें कम लगने लगती है, सपोज इस तरह बैठ गए। तो हमेशा आपको ध्यान देना है कि बच्चों का पोस्चर बहुत ज़्यादा अच्छा हो। पोस्चर अगर उनका स्ट्रेट रहेगा तो उनकी हाइट भी ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन अगर वो एकदम से ऐसे एकदम सुकुड़ के बैठते हैं तो उनकी हाइट और ज़्यादा कम दिखाई देती है। तो इसलिए पोस्चर इम्प्रूव कराना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों के साथ में आपको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होकर रहना है, बहुत ज़्यादा आपको प्यार शो करना है,
बहुत ज़्यादा बच्चों को कंफर्टेबल सराउंडिंग में रखना है। तो जब आप ऐसा करते हैं तो बच्चे की बॉडी में हैप्पी हॉर्मोन्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और बच्चे की बॉडी बहुत ही बेटर वे से फंक्शन कर पाती है, बहुत ही अच्छे तरीके से वो हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्ड करती है। बच्चे की हाइट से लेके वेट से लेके ब्रेन फंक्शन से लेके हर चीज़ बहुत अच्छे से काम करती है। इसलिए आपको बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होकर रहना है, बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करना है, कोई अगर गलती करते हैं तो उनको बहुत ही आराम से आपको समझाना है। उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ये भी ज़रूरी है कि बच्चों की नींद अच्छे से पूरी हो। मैं इस बात पे हर वीडियो में बोलती हूँ कि बच्चों की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि थ्रू आउट द डे बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और जब बच्चे सोते हैं तो उनकी जो बॉडी है वो रिपेयरमेंट का काम करती है और जब बॉडी रिपेयर अच्छे से हो पाती है तभी तो वो बेटर काम कर पाएगी, तभी तो वो अच्छे से अपनी हाइट ग्रो कर पाएगी, तभी तो वो अच्छे से वेट गेन या वेट लूज जो भी एकदम राइट चीज़ है बॉडी के लिए वो डिसाइड कर पाएगी कि हाँ ये मेरे लिए सही है। इसलिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है कि बच्चा प्रॉपर नींद ले। रात को 8 घंटे की मिनिमम नींद बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और दिन में कम से कम 1.5 से 1 घंटे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया, आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।